हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ हाई प्रोटीन मूंग दाल के टोस्ट की रेसिपी। इट्स अ वेरी हेल्दी हाई फाइबर हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेसिपी, आसान है बनानी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप सोक किए हुए मूंग दाल। तो आप ओवरनाइट सोक कर सकते हैं, मैंने ओवरनाइट सोक करके मूंग दाल ली है, या फिर आप 3 से 4 घंटे पहले गर्म पानी के अंदर इन्हें सोक कर सकते हैं। एक मैंने ली है कैरेट, ग्रेट कर लिया है मैंने उसे, आधा कप ब्रोकली ली है ग्रेटेड, आधा कप ली है मेथी की लीव्स, सॉल्ट एंड स्पाइसेस, और साथ ही 10 से 12 होल व्हीट की ब्रेड स्लाइसेस एंड ऑलिव ऑयल। तो सबसे पहले सोक की हुई जो ये मूंग दाल है उसे मैंने ग्राइंडर में ऐड कर दिया है और इसका एक थिक पेस्ट हमें तैयार करना है। तो मैं यहाँ पर बैचेस में कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो ग्राइंडर है वो थोड़ा छोटा है, हाई स्पीड पे करना है और बिल्कुल महीन इसे हमें पीस कर इसका पेस्ट बनाना है। अब हम इस पेस्ट को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल के अंदर। और बोल के अंदर ट्रांसफर करने के बाद आई हैव एडेड ग्रेटेड कैरेट, ब्रोकली एंड मेथी लीव्स। आप चाहें तो फाइनली चॉप करके कैप्सिकम, अनियन या फिर इवन कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, जो भी वेजिटेबल्स आपके घर में आपके वहाँ पर अवेलेबल है। नमक मैंने डाल दिया है स्वाद के अनुसार, चिली पाउडर, और ये थोड़ा सा स्पाइस मिक्स है इसे थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर देने के लिए। नाउ आई एम एडिंग 1 स्कूप ऑफ ओजीवा ऑर्गेनिक प्लांट प्रोटीन टू मेक इट रियली हाई इन प्रोटीन। तो ओजीवा का जो प्लांट प्रोटीन है, इट इज़ इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक प्लांट प्रोटीन। इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ ऑर्गेनिक पी प्रोटीन, इसके अंदर उसके अलावा ऑर्गेनिक ब्राउन राइस प्रोटीन है और ऑर्गेनिक कीनुआ है। तीनों ही चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं। इट इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट। आई हैव बिन यूजिंग दिस फ्रॉम पास्ट 3 ईयर्स। कोलेस्ट्रॉल फ्री है, सोया फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, नॉन GMO है, लैक्टोज फ्री है, कोई ट्रांसफैट नहीं है एंड इट इज़ प्रिजर्वेटिव फ्री। ये प्लांट बेस्ड है, इट इज़ सुटेबल फॉर डायबिटीज़, लैक्टोज अगर आपको इंटॉलरेंस है, आप वीगन है, तो आपके लिए बेस्ट प्रोटीन है ये। सो प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी है, इट इज़ बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर बोन्स, मसल, हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए। सो ओवरऑल हेल्दी रहने के लिए, फिट फील करने के लिए और सुंदर दिखने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। सो दिस इज़ हाउ आई हैव बीन नाउ trying to fulfill my protein requirement, daily protein requirement। और इसे use करना बहुत आसान है, आप इसे dough में डाल सकते हैं जिस तरह मैंने अभी batter में add किया, आप इसके चिल्ले बना सकते हैं, आप इसे salads में add कर सकते हैं, आप इसकी smoothies बना सकते हैं, but you have to use some flavor because it is unflavored। इसके अंदर कोई flavor add नहीं किया गया है, so it is plain, so it is very nice। So per person 1 scoop आप ले सकते हैं। So if you are interested, you can buy this. I will provide the link to buy Ozeva Organic Plant Protein in the description box. तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर अप्लाई कर दिया है थोड़ा ऑलिव ऑयल। अगर आपको ऑलिव ऑयल, ये एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है, आप इसके अलावा देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने जो अपना मूंग दाल का मिक्सचर तैयार किया था उसे मैं स्प्रेड कर दूंगी अपनी ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर। और फिर मैं इन्हें टोस्ट करूंगी। यहाँ पर मैंने एक कास्ट आयरन का पैन लिया है जिसे मैं अपने टोस्ट को कुक करूंगी। यहाँ पर हमें टोस्ट करना है बिल्कुल धीमी आंच पे, तो धीमे धीमे धीरे धीरे आपको इसे कुक करना है।
प्रेस करते रहिए स्लाइटली ताकि अच्छी तरह अंदर तक ये कुक हो जाए। आप यहाँ पर दूसरी साइड भी थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देंगे और आप चाहें तो इसे थोड़ा कवर करके कुक कर सकते हैं ताकि अंदर तक जो स्टीम बने उससे ये और भी अच्छी तरह कुक हो जाए। If you want, you can also sprinkle some sesame seeds on top. सुंदर भी लगेंगे और वो हेल्दी भी होंगे आपके लिए। Now cook until both the sides are crisp और वो slightly brown ना हो जाएं। आप उन्हें press करके देख लीजिए, बिल्कुल जो mixture है वो dry हो जाना चाहिए जो आपने spread किया है। Now remove the toast and serve these toast warm with your favorite chutney. मैंने इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। आप कोई भी ग्रीन चटनी या कोई और अपनी फेवरेट चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक और रेसिपी की पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना ना भूलें। दैट इज फूड फिटनेस एंड फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड स्टे हैप्पी। आई विल बी बैक वेरी सून विद अनदर इंटरेस्टिंग हेल्दी इनोवेटिव रेसिपी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।